How can excellence become our habit? जी जवेरिया हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूस एफर्ट्स शुड बी देयर वेरी गुड जवेरिया जी सिंसियर विद योर प्रोफेशन राइट जी शहजाद पंक्चुअलिटी गुड जी जवेरिया सो वी शुड कीप आई ऑन आवर ओन वीकनेसेस एज वेल एंड ट्राई टू कन्वर्ट आवर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ वेरी राइट Try to convert your weaknesses into strength. Very, very good. For this thing, you have to be the part of internal locus of control. Ji, Afshin. So we need to have the continuous efforts. Continuous efforts. We need to have the sense of ownership. Sense of ownership. Great. Ji, Saima. Sir, passion and determination. Passion and determination. Good. Ji. Anyone? Okay, my dear. Ji, Sumavi, beta. Accept challenges as well. Okay. My dear team members, one thing is required to make excellence our habit. We have to be persistent. और persist होने के लिए क्या चाहिए? चार step चाहिए. और चारों step मेरी team ने बोले हैं अल्हम्दुलिल्लाह. I do feel proud. You are my pride dear. Number one, hard work. Number two, accept the challenge. Number three, conquer the limits, capacity building. Number four, continuous efforts. All these points tell by you, but one thing is missing, that these four things make you persistent. If you're persistent, it means you are going to make excellence your habit. Bholenge to nahin? No, याद रखना आपकी एक्सीलेंस आपकी हैबिट तब बनेगी जब आप परसिस्टेंट होंगे उसके लिए आपको हार्ड वर्क भी करना होगा हार्ड वर्क के बाद आपको चैलेंज भी कबूल करना होगा सम टाइम इतना बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ जाता है कि वो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं चाहिए होती हमें कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी पड़ती है हमें कंफर्ट जोन से बाहर भी आना पड़ता है हमें अपने आप को कुछ नया सीखना पड़ता है तो उसके लिए कॉन्कर द लिमिट्स और कैपेसिटी बिल्डिंग रिक्वायर्ड होती है और जब ये तीन स्टेप करने वाला कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स कर रहा होता है नंबर फोर पर जाकर तो ये चार चीजें मिलाकर एक इंसान को परसिस्टेंट बनाती हैं और जब इंसान परसिस्टेंट बन जाता है तो सब उसे कहते हैं कि ही इज अ हाई अचीवर शी इज अ हाई अचीवर इसकी एक्सीलेंस इसकी हैबिट बन चुकी है क्योंकि अभी मैम अनिल ने एक बात कही है कि सर कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स चाहिए और कंटिन्यूस एफर्ट्स करने वाला पिछले तीन स्टेप जरूर कर रहा होगा ये गारंटी है क्या वो मेहनत भी कर रहा होगा हार्डवर्क कर रहा होगा वो चैलेंज भी कबूल कर रहा होगा वो थर्ड पे कॉन्कर द लिमिट्स मीन कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ भी होगा नंबर फोर पे कंटिन्यूस एफर्ट्स कर रहा होगा मनीला और उसके नतीजे में वो परसिस्टेंट हो रहा होगा मैं चाहता क्यों आपसे बेटा आप सब लोग एक्सलेंस को अपनी हैबिट बनाएं यकीन जानिए जिंदगी बहुत प्यारी हो जाएगी क्योंकि ये आप मेहनत करना चैलेंज को कबूल करना कैपेसिटी बिल्डिंग करना कंटिन्यूस एफर्ट्स करना अल्लाह चाहता भी हमसे यही है उसके बाद अल्लाह हमारी सोचों से भी ज़्यादा रहमान रहीम है हम सोच नहीं सकते हमारी सोचों में आ नहीं सकता कि अल्लाह कितना मेहरबान है हमारे ऊपर तो अल्लाह जरूर बजरूर शख्स को नवाजता है जो इन फोर स्टेप्स को लेकर चलते हैं